करते हैं सीतापुर का, जहां पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला किया है। दरअसल विवाद को सुलझाने गई थी पुलिस की टीम, जिस पर हमला कर दिया। दो सिपाहियों को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा है, गंभीर हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। तो दोनों सिपाहियों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर 18 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और इसी माहौल को देखते हुए पीएससी बल की तैनाती की गई है। तुमानपुर थाना क्षेत्र के फुलपुर गांव की घटना है। थाना मानपुर के ग्राम फूलपुर में एक भगवती गुप्ता और राम आश्रय पक्ष के मध्य एक गली को लेकर विवाद चल रहा था। उसी की जांच में आज थाने के दो कांस्टेबल आए हुए थे और दोनों पक्ष आपस में यहां मारपीट करने लगे और दोनों आरक्षी उनको छुड़ाने में लग गए। इसी बीच में एक डंडा सिपाही के पैर में लग गया और सिपाही का इलाज करा दिया गया है और मुकदमा थाने में दर्ज किया जा रहा है। करीब 18 आदमी हिरासत में लिए गए हैं। मौके पर शांति की व्यवस्था बनी हुई है, पुलिस बल यहाँ पे लगा दिया गया है। परमवीर सिंह करके 25 साल का एक पुलिसकर्मी आया है और उसके पैर में चोट आई है। फिलहाल स्थिति ठीक है, उनकी एडमिट कर लिया गया है। उनको लग रहा है सूजन है और एक्सरे के लिए भेजा गया। तो दो सिपाही भी बताए जा रहे हैं कि जिस तरह से लाठी डंडों से गांव वालों ने ही पुलिस पर हमला किया, घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी पुलिस ने इसमें हिरासत में लिया है। तो एक विवाद हुआ था और इसी विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन उल्टा पुलिस पर ही यहां कुछ लोगों ने, दबंगों ने हमला कर दिया। हालांकि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है गांव में, वहां पीएससी बल को तैनात किया गया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कैसे पूरी तरीके से अब गांव में बल की तैनाती की गई है। वहीं दो सिपाही जो इसमें घायल हुए हैं उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमरजीत, क्या स्थिति अभी गांव की बताई जा रही है? जिस तरीके से कल पूरी घटना हुई थी, तत्काल पुलिस अधिकारी इसमें एक्टिव हो गए थे और भारी पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया था। गांव में स्थिति सामान्य है और इस पूरे मामले में करीब 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। और सिपाही को चोट लगी थी, उसकी भी जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है, ठीक है। जी चलिए, धन्यवाद आपका अमरजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।